गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट वेलकम बैक इन ई लर्निंग क्लास बाय सविता सांगवान आई एम हेयर अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू वीडियो दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ वर्कशीट फॉर सो लेट स्टार्ट तो ये कौन है मिस्टर चिंकू चिंकू आए हैं आपको सॉल्यूशन करवाने के लिए तो ध्यान से सुनिए उनकी कहानी उनकी जुबानी ओके नाउ लेट स्टार्ट तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट टेबल में आपको क्या करना है आपको सेलिंग प्राइस गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस बताया हुआ है तो आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है पीछे आपने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया था आपको बाकी थ्री टर्म्स गिवन थी ओके okay, लेट्स अगर सेलिंग प्राइस यानी सेल हुई है नाइन्टी फाइव रुपीज़ पर और उसमें उसने ट्वेल्व रुपीज़ प्रॉफिट कमाए यानी ट्वेल्व रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए हुए हैं सेलिंग प्राइस जब एक्स्ट्रा आ, सेलिंग प्राइस बिगर होता है तभी प्रॉफिट होता है तो यानी नाइन्टी फाइव बिगड़ हैस्ट कोस, प्राइस कोस्ट प्राइस से कितना बिगर है ट्वेल्व रुपीज़ तो ट्वेल्व सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा कोस्ट प्राइस क्लियर है आगे चलेंगे किसी ने कोई चीज़ वन में सेल की एटीन के प्रॉफिट पे यानी उसमें एक एटीन रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा लिए हैं दूसरी सेंस में सेलिंग प्राइस जब एक्स्ट्रा होता तभी प्रॉफिट होता है तो कोस प्राइस तो कम आएगा कम के लिए हम क्या करें सब्ट्रैक्ट तो क्या आ गया वन हंड्रेड फाइव नेक्स्ट देखिए बेटा सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव अगर किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस है और उसे इतने वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव के लॉस में सेल किया गया यानी लेस में सेल किया गया है एक्चुअल में उसका प्राइस क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए तो ज़्यादा के लिए क्या करें प्लस एट हंड्रेड थर्टी क्लियर है नेक्स्ट चलेंगे अब कोई चीज़ किसी ने फाइव थाउजेंड में सेल की एट हंड्रेड फोर्टी के प्रॉफिट यानी एट हंड्रेड फोर्टी उसने एक्स्ट्रा चार्ज किए हुए हैं तो चीज़ तो कम की थी तो हम माइनस करके उसको कोस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे नेक्स्ट चलें वर्ड प्रॉब्लम है सलीम इज़ अ कारपेंटर ही सोल्ड आ चेयर फोर रुपीज़ मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या है 900 प्रॉफिट है 250 का फिफ्टी प्राइस क्या हो जाएगा देखिए सेल करने में उसने प्रॉफिट कमाया यानी एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं तो कॉस्ट प्राइस तो कम होना चाहिए तो सब करेंगे नेक्स्ट चलेंगे बेटा यहाँ देखिए मिस्टर चिंकू बता रहे हैं मर्चेंट सोल्ड आफ एंड फोर रुपीज़ वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी एट अ लॉस ऑफ़ रुपीज़ टू हंड्रेड लॉस मीन्स लेस में सेल किया है टू हंड्रेड लेस वैसे ज़्यादा होने चाहिए तो हमने ज़्यादा करके हम क्या पता कर लेंगे कॉस्ट प्राइस दैट इज़ 1450 हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड इंक्रीज करती है नेक्स्ट देखते हैं मिस्टर गोयल सोल्ड अ स्कूटर फोर रुपीज़ सिक्स सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड इफ़ यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ वन थाउजेंड फिफ्टी फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर तो देखिए आपको क्या गिवन है सेलिंग प्राइस दैट इज़ एस पी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड और उसमें उसने प्रॉफिट यानी उसने पैसे एक्स्ट्रा लिए हुए यानी सेलिंग प्रॉफिट कब होता है जब सेलिंग प्राइस बिगर हो तो सेलिंग प्राइस बिगर है वो स्मॉलर होगा कम आएगा तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट दैट इज़ फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी क्लियर नाउ सो लेट्स एंड टू क्लास ओके लेट्स एंड